वाक्य की परिभाषा। वाक्य सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा समझ में आ गया। अब हम देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। कौन कौन से? एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना आप लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? तो वही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही हमारा उद्देश्य और विधेय है। उद्देश्य को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और विधेय को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? उद्देश्य है जो वाक्य के बारे में कहा जाए, जिसके बारे में हम पूरा वाक्य लिखते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, विधेय किसको कहते हैं? जो उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। नहीं आया समझ में? उद्देश्य मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय जो उद्देश्य के बारे में लिखा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वाक्य बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जब हम इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट निकालते हैं तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? बच्चे। तो ऐसे ही उद्देश्य हमारा क्या हो गया? बच्चे। अब इधर से हमारा इतना क्या हो गया? विधेय हो गया। तो क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? बच्चे। तो वाक्य में बच्चों के ही बारे में कहा गया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और अगर हम ये हटा दें, फिर हम अगर विधेय के बारे में देखते हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्रिकेट कौन खेल रहा है? अब विधेय है जो शब्द, जो उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य के बारे में, बच्चों के बारे में क्या कहा जा रहा है? बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बच्चों के बारे में कहा जा रहा है क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये हमारा क्रिकेट खेल रहे हैं विधेय हो गया। आया समझ में? एक बार हम और देखते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा सामने है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बच्चे हमारा उद्देश्य हो गया और क्रिकेट खेल रहे हैं हमारा विधेय हो गया। तो बच्चों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसके बाद फिर उद्देश्य हमारा ए है और विधेय ए है। तो विधेय उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। तो क्रिकेट कौन खेल रहा है? क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं। तो आ गया समझ में? आया ना? फिर आप होमवर्क आप नोट कीजिए। होमवर्क है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध वाक्य और यहाँ शुद्ध वाक्य। अब आप, हम अशुद्ध वाक्य लिखेंगे और आप उसको शुद्ध करके लिखेंगे।